गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा चौथी का पर्यावरण पढ़ाऊंगी, पाठ 15 आग। तो आग दो चमकदार पत्थरों को रगड़ती रगड़ से आग की खोज हुई। 325 साल पहले सन 1680 में माचिस की खोज हुई। आज हम जो माचिस देखते हैं उनकी शुरुआत सन 1855 में हुई। आग जलाने के लिए माचिस बहुत सुरक्षित है। आग लग जाने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो जले हुए आग पर तुरंत ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। जले हुए अंगों पर बर्फ रखना चाहिए, इससे जलन से राहत मिलेगी और फफोले नहीं पड़ेंगे। इसके पश्चात तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। आग का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आग फैलने का डर बना रहता है। आग फैलने से जनधन दोनों की बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इसका, माचिस की खोज से पहले आग किससे जलाई जाती थी? तो माचिस की खोज से पहले आग दो चमकदार पत्थरों को रगड़कर जलाई जाती थी। अगला पॉइंट है, आग का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो आग का उपयोग हम खाना बनाने में, गहने बनाने में, मटके बर्तन खपराई बनाने में, लोहा गलाने में, कारखानों में करते हैं। ठंड में आग के सामने बैठने से शरीर में गर्मी पहुँचती है और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड से हमें राहत मिलती है। अगला पॉइंट इसमें, आग की किन चीजों से जलाई जाती है? तो आग जो है हमें आग पत्थरों की रगड़ से, माचिस से, लाइटर से, पावर कांच के लेंस से जलाई जा सकती है। अगला पॉइंट है आग बुझाने के तरीके। तो हम आग किन किन तरीकों से बुझा सकते हैं? तो आग बुझाने के लिए पानी डाला जाता है, कंबल रेत का उपयोग करते हैं। यदि आग इससे नियंत्रण में ना आए तो हम अग्निशामक यंत्र को भी बुला सकते हैं। तो यह पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ से प्रश्न उत्तर खाली स्थान आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है।